नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जुबली पार्क रोड में चैन छिनतई करते युवक को स्थानियों ने धर दबोचा, जमकर की पिटाई। राजनीति के भीष्म पितामह पूर्व सांसद बागुन सुमरई की हालत नाजुक, टीएमएच के आईसीयू में भर्ती। जमशेदपुर विग इंग्लिश स्कूल की छात्रा की झूले पर हुई संदेहास्पद मौत, पुलिस जुटी जांच में। और जमशेदपुर में पहली बार मेटल फेडरेशन की हुई बैठक, इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए कई दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के जुबली पार्क रोड में एक महिला से चेन छिनतई करते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि महिला पार्क घूमने गई थी और पार्क घूमकर घर जा रही थी, तभी आरोपी युवक पीछे से उनके गले में हाथ लगाकर चेन छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्या, वहां मौजूद लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। कब का बात है? अभी पूरा 10 मिनट पहले। कौन है, कहाँ, बाइक से आ रहे थे आप? बाइक अपने हस्बैंड से जा रहे छीनने का प्रयास कर रहे। और यहाँ आपको बताते चलें कि चायवासा के पूर्व सांसद बागुन सुबरई की हालत नाजुक बनी हुई है। देर रात आनंद फानन में उन्हें चायवासा से टीएमएच के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि चायवासा से कांग्रेस के टिकट पर ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं झारखंड के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बागुन सुमरई को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं अन्य राजनेताओं का टीएमएच में आना जाना लगा हुआ है। वैसे बागुन सुमरई विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। बता दें पूर्व सांसद बागुंदा को ब्रेन हैमरेज हुआ है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। तबियत खराब की खबर जैसे ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को मिली, अर्जुन मुंडा अपने समर्थकों के साथ टीएमएच पहुंचे और चाईबासा के पूर्व सांसद बागुन सुमरई का हाल चाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि तबियत खराब है, लेकिन भगवान से वे दुआ करते हैं कि वे स्वस्थ हो जाएं। इधर अर्जुन मुंडा टीएमएच में इलाजरत और पुलिस कस्टडी में इलाज करा रहे ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो से भी मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। मैं उन्हें देखने के लिए आया था, अभी देखा और रिस्पॉन्ड कर रहे, अच्छा है। अभी MRI के लिए ले जा रहे हैं, MRI के बाद पता चलेगा ब्रेन में कहाँ कहाँ यह है, लेकिन माइल्ड है ऐसा लोग बता रहे हैं। एक तरफ का लेफ्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ा है, तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार बागुन सुमरई से मिलने TMH पहुंचे। डॉक्टर अजय बागुन सुमरई से मिले और परिवार के लोगों से हाल चाल जाना। वहीं डॉक्टर अजय ने कहा कि पहले से स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है और आने वाले दिनों में डॉक्टरों के अनुसार वे स्वस्थ हो जाएंगे। MRI की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहले CT स्कैन जो चायबासा में हुआ था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उस वक्त कुछ दिखाई भी नहीं दिया, तो लगता है कि वो ब्रेन हेमरेज तो रूल्ड आउट है, वो हो सकता है कि इंफार्क्ट हो। इंफार्क्ट का मतलब कि थोड़ा सा खून का कमी हो जाता है अचानक दिमाग में, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग भगवान की प्रार्थना से मुझे लगता है कि बागुन बाबू एकदम ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर साहब पूरे कहें कि उनको आराम की आवश्यकता है। और इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर की रहने वाली 3 क्लास की छात्रा अमीषा की संदेहास्पद मौत झूला झूलने के दौरान हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोविंदपुर स्थित अपने मकान में बने झूले पर विग इंग्लिश स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा अमीषा की तरह सुबह झूला झूल रही थी। उस वक्त उसके पास कोई मौजूद नहीं था। संदेहास्पद स्थिति में अमीषा झूले के फंदे में दबी हुई मृत अवस्था में थी। इस स्थिति में घर वालों के द्वारा देखने के बाद तत्काल उसे टाटा मोटर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने अमीषा को मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी गोविंदपुर थाने को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मृत छात्रा के पिता उदय कुमार ने कहा कि स्कूल की छुट्टी होने के कारण अमीषा अकेले ही घर में बने झूले पर झूला झूल रही थी। तभी अमीषा के छोटे भाई गोलू ने अमीषा को फंदे में लटका पाया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर टाटा मोटर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मामला पूरी तरह से संदेहास्पद और घटनात्मक लग रहा है। ड्यूटी निकले उस समय तो सोई हुई थी, आज स्कूल नहीं था, तो स्कूल नहीं था, डेली स्कूल रहता था सुबह में, तो हम उठा के तैयार करा के भेजते थे, डेली 20 शिफ्ट रहता था, और आज मतलब चेंज हुआ, संडे के बाद चेंज हो जाता है, हम लोग का ही शिफ्ट था, तो इस शिफ्ट में हम अपना सुबह गया देखे सोया हुआ तो नहीं उठाए इन लोगों के, स्कूल नहीं है नहीं, तो उसके बाद हम जो है ना टाटा मोटर स्थायी कर भी तो हम चले गए, तो 9:30 के बीच में भाभी फ़ोन कर रही है कि बहुत सीरियस है, ऐसा ऐसा बात है, वो कैसे गला वो मतलब लटक गई है और ऐसा ऐसा घटना घटा है। दोबारा उसको खाने के लिए बुलाने गया तो देखा कि जो है ना चिल्लाया दीदी लटकी हुई है, तो गया तो भतीजा जो हमारा है पकड़ के उठाया, तो वो बांधा हुआ टाइप का नहीं था, जैसे एक ठो रस्सी असगन्नी फंसाने वाला बांधा हुआ है, उसमें ना वो क्या कहे गमछी बांध के यू आकार का जैसे बांधा हुआ बांधी हुई थी, अब कैसे झूल रही थी कैसे क्या करी उसको आगे का पोर्शन जैसे दागी है। वहीं पोस्टमार्टम कराने आए गोविंदपुर थाने के पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा मृत बच्ची को टाटा मोटर अस्पताल से बरामद किया गया है, गले में फंदे का निशान प्रथम दृष्टया में नजर आ रहा है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर पाएगी। मैं अपना रूम में झूल रहे थे, प्रतिदिन वो झूल रहे थे झूला, और झूलने के क्रम में उसको छूट गया और कैसे लटक गई, और उसी क्रम में और हॉस्पिटल लाने के क्रम में उसका, हमको तो कुछ नहीं लगता, हमको जो बताया वही लग रहा है, ना उसको हम देख पाए ना कुछ कर पाए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में इंटक के द्वारा इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन की वार्षिक बैठक का आयोजन कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के द्वारा मजदूर हक में किए जाने वाले आंदोलन पर कई दिशा निर्देश दिए गए। बिष्टुपुर स्थित SNTI में इंटक के द्वारा इंडिया नेशनल मेटल वर्कर फेडरेशन की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जमशेदपुर में पहली बार इंटक जिला कमेटी के द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी और टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन के अलावा इंटक के कई नेता और देश के विभिन्न प्रांतों से आए विभिन्न कंपनियों में ट्रेड यूनियन के माध्यम से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे नेता मौजूद थे। बैठक के माध्यम से मजदूर हक में किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा और नए वर्ष के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ने कहा कि किसी कंपनी के सफलता के पीछे कर्मचारी और मैनेजमेंट बराबर के हकदार होते हैं, इन दोनों के सहयोग से ही देश का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभव है, कंपनी के मुनाफे में कर्मचारियों का भी हिस्सा है, मगर कई कंपनियों में मैनेजमेंट के द्वारा वेतन का ही भुगतान कर कर्मचारियों के हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर ट्रेड यूनियन अब आंदोलन की राह पर चलने को तैयार है। मजदूर हक की लड़ाई के लिए ट्रेड यूनियन का गठन इंटक के माध्यम से किया गया है। इंडस्ट्री बना में अच्छा भी चल रहा है तो हम भी अच्छे में रहेंगे, सिख में तकलीफ में प्रॉफिट में हम पार्टनर हैं, उसी तरह इंडस्ट्री भी वर्कर के मुसीबत में तकलीफ में भी पार्टनर रहना चाहिए, तो इस तरह इंडस्ट्री चल सकता है। इंडस्ट्री एक आदमी का हुकूमत से नहीं चलेगा, ये ट्रेड यूनियन का या मैनेजमेंट का, हमको बैलेंस करके चलने से ही उधर कैपिटल भी डेवलप होगा, नया कारखाने भी आएंगे, नया उद्योग भी बढ़ेगा, और हम डेवलपमेंट चाहते हैं, नया टेक्नोलॉजी, मैं कल बता रहा था नया टेक्नोलॉजी सो फॉर इज कंसर्न्ड क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा दो भाग है, न्यू टेक्नोलॉजी को वेलकम करते हैं, मगर न्यू टेक्नोलॉजी के नतीजे में वर्कर का नौकरी जाता है, वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। और इधर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में धालबू में SDO माधवी मिश्रा औचक निरीक्षण करने पहुंची। SDO ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर वीडियो और CO से उज्ज्वला योजना से संबंधित जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पोटका स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंची और भंडार रूम में इलाज हेतु रखे गए दवाइयों की भी जाँच की। वहीं SDO माधवी मिश्रा ने कहा कि समय समय पर इस तरह की जांच की जाती है और कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जस्ट रेगुलर विजिट यहाँ पे स्कूल का और जस्ट लड़कियों से बच्चों से मिला और यहाँ की सुविधा देखा, ठीक है। स्टोर देखे मैडम, दवा की भी स्टोर रूम वगैरह और सारे सामान ठीक से रखे हैं, नहीं कुछ एक्सपायर तो नहीं, दिशा निर्देश दिए नहीं, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा जाए और जो कैश बुक या डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर्स है उसको ठीक से मेंटेन करें। मैडम लकड़ी से खाना बन रहा है, धुआं का ये हो रहा है। नहीं, एक्चुअली वो सिर्फ एग्जॉस्ट वो ऑन नहीं किया गया था, दैट्स इट।
वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के वार्डन द्वारा बताया गया कि पिछले कई महीनों से गैस खत्म हो चुका है और लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो लकड़ी से ही हो रहा है, जब फ्रेंड रहता है तो गैस से करते हैं। कितना दिन से लकड़ी से बन रहा है? अभी जस्ट कुछ दिन से ही बन रहा है, ज्यादा दिन नहीं है। कारण? कारण मैडम, कारण अभी फंड नहीं है इसलिए लकड़ी से ही बन रहा है। शिकायत की कहीं? शिकायत मतलब क्या, फंड आएगा तो हम लोग ये करेंगे। कहीं लिखित दिए हैं? जिला को दिए। अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी वहाँ से भी आएंगे, ऊपर से भी साथ भेजे नहीं है। किनके द्वारा गैस सप्लाई की जाती थी मैडम? ये जादूगोड़ा मैम, और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में छात्रों के माथे पर टीका और हाथ में धागा बांधने पर प्रतिबंध लगाने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया गया। बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में हिंदू संगठनों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। सभी हिंदू संगठन के नेता स्कूल मैनेजमेंट द्वारा छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिंदू संगठन के नेता रवि सिंह ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आए हिंदू छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन स्कूल की प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है, जिसके विरोध में उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन कर छात्रों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया गया है। प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया प्राचार्य महोदय से, लेकिन उनका साफ अपना रुख वो अख्तियार कर चुकी हैं। उनका कहना है कि आपको जो करना है वो करिए, हमारा स्कूल में ऐसा होता आया है, होता रहेगा। मतलब उनका कहना है कि हम टीका मिटाते रहेंगे, संविधान का अपमान करते रहेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते रहेंगे, आपको जो करना है वो करिए। तो ठीक है, मैडम को भी हम इस आप लोगों के माध्यम से हम स्पष्ट करा देना चाहते हैं कि इस मोतीलाल नेहरू स्कूल को हम लोग जेएनयू नहीं बनने देंगे, सबसे पहली बात। और आपका जो ये स्कूल है वो ना पाकिस्तान में है ना इराक में है, आप भारत में चला रही हैं, ऊपर जमशेदपुर में चला रही हैं। इस प्रकार आपको हटना पड़ेगा गद्दी से, और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको सब छात्र पालन करेंगे, और आगे हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। इस संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की प्राचार्य आशु तिवारी का कहना है कि स्कूल पर झूठा आरोप लगाकर हिंदू संगठन के लोग हो हंगामा कर रहे हैं, जबकि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा हाथ में धागा बांधने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ दिनों पहले कुछ छात्रों के द्वारा स्कूल के शैक्षणिक माहौल को खराब करने का प्रयास जय श्री राम नारे के साथ किया जा रहा था, जिस पर स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा छात्रों को मना किया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉन्टेस्ट के वक्त एक बच्चे ने योगी आदित्यनाथ का स्पीच दिया जो थोड़ा भड़कालू किस्म का था। उसके बाद उससे भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि स्पीच खत्म होने के बाद ये लोग भड़काने के मोड में आकर के जय श्री राम चिल्लाने लगे। तो ये एक स्कूल एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। आई मीन ठीक है, रिलीजन अपने जगह पे है, पर आप भड़काने का काम करेंगे उसको तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और आई थिंक इस भड़काने के वजह से उस बच्चे को सस्पेंड किया गया था, उसका स्पीच के वजह से नहीं। स्पीच में उसको शायद प्राइज मिला हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका आफ्टर स्पीच जो इफेक्ट जो वो क्रिएट करने की कोशिश किया, वो थोड़ा डिस्टर्ब माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया, उस वजह से उस पर एक्शन लिया। और यहाँ आपको बताएं कि छात्र आजसू द्वारा कुल्हाने विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला महंती के आवास पर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार से संबंधित पोस्टर चिपकाकर अपना विरोध प्रकट किया गया। बिष्टुपुर स्थित कुल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला महंती के आवास के समीप पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आजसू छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की गई। इस अवसर पर छात्र आजसू नेता हेमंत पाठक के अलावा कई छात्र मौजूद थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए हेमंत पाठक ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के मामले कुल्हान विश्वविद्यालय में उजागर हुए हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा की जा रही है, मगर कुलपति द्वारा किसी तरह की पहल नहीं किए जाने से नाराज होकर छात्र आजसू के द्वारा उनके आवास पर भ्रष्टाचार से संबंधित पोस्टर चिपकाकर आंदोलन की शुरुआत की गई है। यह पोस्टर शहर के सभी कॉलेजों में लगाकर झारखंड की महामहिम राज्यपाल से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन लोगों के द्वारा की जा रही है। अंतर्गत जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग घोटाला हो, चाहे वो ड्रेस घोटाला हो, चाहे वो लाइब्रेरी घोटाला हो, या फिर किसी भवन का घटिया निर्माण हो, इन सभी विषयों को लेकर कुलपति महोदय को बार बार हम लोगों ने लिखा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए,
लेकिन विश्वविद्यालय के काम में शायद हमारी बातें अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। आज पोस्टर के माध्यम से हम बिष्टुपुर क्षेत्र उनके क्वार्टर के बाहर हम लोगों ने आंदोलन किया है और जिन जिन महाविद्यालयों में घोटाला हुआ है उन सभी महाविद्यालय के दीवारों पर हम उनसे संबंधित घोटाले का पोस्टर जारी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदया आप अपने अंतर्गत एक टीम बनाए और ये विभिन्न घोटाले का पर्दाफाश करे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। ने खास करके जो बदलाव किया है बच्चों को देखते हुए यहाँ पे हमने दो राइड्स चेंज किए हैं जो बच्चों के लिए हैं। एक बुगी ट्रेन है जो बच्चे काफ़ी पार्क में एंजॉय करते हैं, उससे बुगी ट्रेन को हम लेके आए हैं नहीं पहली बार यहाँ पे। दूसरी के जो टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रेन पहले भी लेके आए, इस बार भी हम नया लुक में लेके आए हैं जिसमें क्या है बच्चे उनके माता पिता के भाती इस साल क्या है कि काफ़ी चेंजिंग हम किए हैं इसमें। हमें उम्मीद है कि इस बार जो यहाँ के लोग हैं खरीदारी में कुछ ज़्यादा ही उनको मदद मिलेगा। जहाँ मनोरंजन मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। आप अपने घर को दे सकते हैं नया लुक, क्योंकि अब शहर जमशेदपुर में एक ही छत के नीचे न्यू बाबा फर्नीचर लेकर आए हैं नए नए डिजाइनों में आकर्षक सोफे, पलंग, डाइनिंग टेबल, चेयर, ड्रेसिंग टेबल के साथ ही और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, डायल करें हमारा नंबर 9334811315 9031777777 और हमारा पता VIP अपार्टमेंट डिमना रोड मानगो जमशेदपुर। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग,
JCV, excavator, mobile crane, quality control officer, fire and safety management. झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम दो बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के फरार आरोपी को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों 13 अप्रैल को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के श्री डुंगरी से पीताम्बर महतो के घर से बाइक चोरी कर ली गई थी। आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल पर तीन संदिग्ध युवकों को सवार होकर जाते देख जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा, तभी बाइक पर सवार दो अन्य युवक फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक जमशेदपुर के बागबेड़ा का रहने वाला राहुल सिंह है। गिरफ्तार युवक ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए अन्य दोनों फरार युवकों के संबंध में भी पुलिस को कई जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों फरार युवकों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। 13-4-18 की रात्री को श्री डुंगरी में पीताम्बर महतो के घर के चार दीवारी के अंदर गाड़ी लगा हुआ था, जिसमें कि है सो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। आज सुबह में है सो टोल रोड के समक्ष एक व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में क्रॉस करते देखे जाने पर उसको रोका गया, तो रोकने का प्रयास करने पर उसमें सवार दो लोग उतर कर भाग गए और तीसरा को ऐसे पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। बाद में वो पकड़ाया मोटरसाइकिल जो उसके पास बरामद हुआ है, वही इसी डूब से चोरी किया हुआ मोटरसाइकिल था, जिसके साथ उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। अन्य लोगों का भी सत्यापन हो चुका, परंतु गिरफ्तारी का जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जो भागे हुए लोग हैं पहले में भी कई कांडों में आरोपित रहे हैं तथा कुछ कांड में अभी भी। और इधर सरायकेला जिले के ही आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय की टीम द्वारा आदित्यपुर बाजार में पॉलीथीन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम की टीम ने सिटी मैनेजर राहुल कुमार के नेतृत्व में फाटक बाजार, सब्जी बाजार समेत अन्य स्थानों पर जाकर दुकानों में छापेमारी की, जहां से तकरीबन 3 किलो से अधिक पॉलीथीन बाजार के दुकानों से जब्त किया गया। साथ ही पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों से 6,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। गौरतलब है कि 15 नवंबर से राज्य में पॉलीथीन उपयोग पूर्णतः बैन है, इसके बावजूद दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जा रही है पॉलीथीन की, सूत्रों से पता चला था कि यहाँ बहुत सारा पॉलीथीन बिक रहा है, पर आपको पता है कि 15 नवंबर से झारखंड में पूरी तरीका से बैन है, इसी के तहत हम लोग छापामारी कर रहे थे, तो आज तकरीबन 3 केजी से ज़्यादा पॉलीथीन हम लोग को मिला है और करीबन 6,000 के करीब उन्होंने फाइनिंग की। और यहाँ आपको बताते चले कि पोटका प्रखंड मुख्यालय में लगा शौच मुक्त का बैनर जो इन दिनों हास्य का पात्र बना हुआ है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ आज भी आधा अधूरा शौचालय बनाकर छोड़ दिया गया है। शौचालय की इस तस्वीर को आप देखकर सहज ही पता लगा सकते हैं कि क्या पोटका प्रखंड शौच मुक्त हो पाया है। बता दे, कुछ दिनों पहले जिले के उपायुक्त ने पोटका प्रखंड का दौरा किया था, जहाँ आधा अधूरे शौचालय को देख पदाधिकारियों को फटकार लगाई थी। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि कागज कलम में सब पूरा कर लिया गया है। हर घर में बिजली देने का प्रावधान, जितने लोग छूट गए कि हम खुद इस प्रखंड के गृह पंचायत में रहते हैं और हमारा ग्राम पंचायत फसल बिल है, आप तो एक भी ऐसे गांव नहीं है कि खुले में शौच मुक्त हुआ है। प्रखंड की बात अलग बात है, हमारे पंचायत एपी प्रखंड कार्यालय के इर्द गिर्द जो खड़ियासाई गाँव है ये भी खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाए, और यहाँ तो सिर्फ कागज कलम में या बोर्ड में दिखावा मात्र दिखाया जा रहा है कि प्रखंड को खुले में शौच मुक्त किया गया है। वास्तविक तो ये है, आज तक तो प्रखंड में एक भी गांव खुले में शौच मुक्त
नहीं हुआ। गांव में शौचालय बना है पूरा? शौचालय कहीं भी बना है तो सब अधूरा है। और यहां आपको बता दें कि जमशेदपुर के बारीडी हरि मंदिर मैदान में राजकीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से वृद्ध एवं विधवा पेंशन का फॉर्म भरवाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर जन समस्याओं के समाधान हेतु यह कैंप भाजपा की ओर से लगाया गया था, जिसमें वृद्ध विधवा तथा दिव्यांग जनों का फॉर्म भरवाया गया ताकि उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले पेंशन का लाभ मिल सके, जहां बड़ी संख्या में स्थानीयों ने इस कैंप का लाभ उठाया। आज बारीडी में वृद्धा विधवा और दिव्यांग बच्चों के लिए वितरण फॉर्म वितरण किया जा रहा है उन लोगों के लिए, और अभी तक हम लोग 15-20 के ऊपर फॉर्म दे चुके हैं और भी लोग यहां पर उपस्थित हो रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो आज हम लोगों के सीएम साहब का भी आज जन्मदिन है, उनके लिए भी आज जन्मदिन का यहां पर अवसर पर केक कटिंग भी आज किया जाएगा। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के जन्मदिन के अवसर पर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल में मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, सभी शिक्षकों एवं बच्चों ने केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से सैकड़ों बच्चों के बीच घड़ा का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री के लंबे उम्र के लिए हवन करवाया गया। आयोजक समिति के सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बच्चों के बीच घड़े का वितरण किया गया ताकि बच्चे उस घड़े से ठंडा पानी पी सके। वहीं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की गई ताकि राज्य का विकास हो सके। अवतारी पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज हिंदुस्तान मित्र मंडल 10 नंबर बस्ती तमाम शहर में उपस्थित हैं और खासकर स्कूली बच्चे जो हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं और इसमें काफ़ी गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उनके जन्मदिन पर हम लोग ने आज सभी गरीब बच्चों को मिट्टी का हंडी पानी पीने के लिए ताकि वो शीतल रहे और वो पानी पी सके। और इधर राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी गुरुवार को सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं जिले में काम कर रहे चौकीदारों की समस्या से भी वे अवगत हुए। आयोग के उपाध्यक्ष ने उपायुक्त से मिलकर चौकीदारों के मामले का जल्द से जल्द निपटारा करते हुए उन्हें नियमावली से अवगत कराने की बात कहते हुए स्थायीकरण करने की बात कही। उपाध्यक्ष ने बताया कि मई के अंत तक जिले के चौकीदारों की समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन उपायुक्त द्वारा दिए जाने की बात कही गई है। वहीं उपाध्यक्ष ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के विलय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए विलय का जोरदार विरोध किया और जिले के उपायुक्त से मिलकर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों तक कैसे पहुंचे इसे भी सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव और जिला महामंत्री गणेश महाली भी मौजूद थे। अस्थाई रूम में वो अपना सेवा इतना दिन से देते आए, उन लोग ने अपना रेगुलराइज नियमित करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, जो सरकार को आदेश दिया कि इनका रेगुलराइज किया जाए, परंतु यहाँ जिला के जो पंचायत पदाधिकारी है, जिला पंचायत पदाधिकारी, उनका कहना है कि नियमावली 2015 के तहत इनका यह होगा, स्थायीकरण होगा। मैंने वही डीसी साहब कहा कि 2015 ये सरकार ने जो नियम बनाया है कि नए चौकीदारों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो उनके लिए बना है, वो जो कर्मचारी कार्यरत है इतना वर्षों से सेवा दे रहे उनका रेगुलराइज करने की बात है, उनको नए अपॉइंटमेंट देने की बात नहीं है। इसलिए उनका सर्विस पीरियड को, उनके सभी कागजात को जांच पड़ताल करके उनको सिर्फ स्थायीकरण करना है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करते हुए हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट है उसको भी एक कॉपी उनको दिया गया। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया।
मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को, उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा, अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलछा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलछा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलछा रेडीमेड सेंटर। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलछा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलछा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलछा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलछा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलछा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलछा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 0657229093। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड साक्षी जमशेदपुर, फोन 0657243816, 9835551212, 9433113166, प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें अनेक ज्योतिषी का जी गेछिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफलता पाइनी। जब থেকে মহাদেবের কাছে গেছি তবে থেকে অনেক সফল লাভ হচ্ছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সবকিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें
जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र की एक महिला ने क्षेत्र के वार्ड पार्षद पर उनके निजी मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग जिले के पुलिस कप्तान के समक्ष उठाई है और इस संबंध में इनके द्वारा जिला पुलिस कप्तान को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। मामला क्षेत्र की एक महिला सावित्री देवी के घर पर घटित हुई थी। उनके पड़ोसी अमरजीत सिंह के द्वारा मारपीट की घटना घटी थी और मामले में एक वृद्ध महिला घायल हुई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनका कहना है कि इस मामले में पुलिस के पास क्षेत्र की वार्ड पार्षद झूठा मामला दर्ज करवाकर उनके पति राममुखी को गिरफ्तार करवा चुकी है। बता दें कि बुधवार को सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा इस मामले में राममुखी की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। सावित्री देवी तथा उनके परिजनों ने मिलकर जिले के SSP से मुलाकात किया। इन्होंने कहा कि यह मामला सावित्री देवी तथा अमरजीत सिंह के घर का आपसी विवाद का है, जिसमें जबरन घुसकर क्षेत्र की वार्ड पार्षद राजनीति कर रही है। घटना में अमरजीत सिंह कमली देवी के साथ मारपीट करते हैं और कमली देवी दोनों बहू के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। इसकी सूचना कमली देवी, चूँकि जख्मी हो जाती है, इसकी सूचना वो बराहू को देती है। बराहू का गश्ती गाड़ी आता है और अमरजीत को लेकर थाना जाता है और थाना जाकर लिखित प्रतिवेदन कमली देवी ने दिया। चूँकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो उसको टाटा मोटर्स रेफर कर दिया गया। जब 10 बजे राममुखी उनका दामाद जब थाना जाते हैं तो उनको लगता है तीसरा पक्ष उनके ऊपर में झूठा मुकदमा छेड़खानी और चोरी का किया। आज हम लोग वही, जो कि उनका कल अरेस्टिंग हो गया, आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं। जो केस फर्जी है, ए बी का झगड़ा है, सी क्यों केस कर रहा है, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो भी मुकदमा है उस मुकदमा को निरस्त किया जाए और जो भी गलत धारा है उसको हटाया जाए। और इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने DVMS स्कूल कदमा में अभिभावकों के साथ मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जानकारी देते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि कदमा DVMS हाई स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से स्कूल फीस में वृद्धि, स्कूल में कॉपी किताब बेचने व दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है और हर महीने मेंटेनेंस फीस और ऑडिटोरियम के नाम से पैसों की उगाही की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा इन मामलों को लेकर वे जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए हैं। DVMS हाई स्कूल कदमा का जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है, लेकिन स्कूल में 15% से ज़्यादा फीस वृद्धि की गई है। इसके अलावा जो ऑडिटोरियम के नाम पर अभिभावकों से सत्र में 2 बार 500 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि अभी तक ऑडिटोरियम का एक भी ईंट का पता नहीं है। मेंटेनेंस फी, जो मेंटेनेंस का काम साल में कभी कभार होता है, लेकिन अभिभावकों से हर महीने जो है 225 रुपये वसूले जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो CBSE बोर्ड का जो आदेश है, स्कूल में कॉपी किताब नहीं बेचना है या अभिभावकों को ये नहीं दबाव देना है कि आप पर्टिकुलर दुकान से ही खरीदें, लेकिन इस स्कूल में कॉपी किताब एक दुकानदार द्वारा, जो साक्षी का दुकानदार है, उसके द्वारा बेचवाया गया है। और इधर बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस बाबत जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के सदस्य विनोद सिंह ने बताया कि बिजली की दरों में झारखंड सरकार द्वारा बेतहाशा बढ़ोतरी करने के बाद आम आदमियों में व्यापक रोष है और इससे भविष्य में आम जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और झारखंड सरकार से यह मांग करती है कि झारखंड में बिजली की दर दिल्ली के तर्ज पर लागू की जाए और बिजली की बढ़ी हुई दर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग DC के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। रघुवर सरकार जो आज फैसले ले रही है, बिजली दर में बढ़ोतरी हुई है, आम जनता परेशान है, उससे आने वाले वक्त में काफ़ी और बर्डन पड़ने वाला है। दिन प्रतिदिन जनता पे जनता विरोधी नीति लिया जा रहा है और जनता को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग DC को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग करते हैं? और अभी जो बिजली दर बढ़ाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और दिल्ली के तर्ज पे जो बिजली की सुविधा दी जा रही है जनता को, हम लोग ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि
उसी तरह झारखंड में भी बिजली दर लागू किया जाए। और दर मदरसा दारुल किरात का सालाना जलसा और दस्तारबंदी समारोह शुक्रवार को मानगो ईदगाह मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मदरसा दारुल किरात के मोहम्मद शाहिद रजा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मदरसा दारुल किरात का सालाना जलसा दस्तारबंदी समारोह का आयोजन शुक्रवार देर शाम ईदगाह मैदान में किया जाएगा। इसमें कुल 77 छात्रों की दस्तारबंदी होगी। जलसे के दस्तारबंदी में सबसे खास बात यह है कि 25 छात्र एक बैठक में 7 से 8 घंटे में लगातार पूरा कुरान पढ़कर सुना सकते हैं। इस प्रोग्राम में इदारे से फारिग होने वाले 42 बच्चों की दस्तारबंदी होगी और साथ ही साथ तिराक से फारिग होने वाले 35 बच्चों की भी दस्तारबंदी होगी। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए और खिताब के लिए खसूसी तौर पर जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ से हज़रत मौलाना मसूद अहमद मिसबाही और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन मिसबाही तशरीफ ला रहे हैं। इस इदारे की इस बार फारिग होने वाले बच्चों में 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पुराने पाक एक बैठक में सुना दिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में गर्मी आते ही विभिन्न स्कूलों के द्वारा समर कैंप का आयोजन कर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी के तहत किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने जमकर मस्ती की। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा छोटे बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन कर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसी के तहत छोटे बच्चों के लिए वाटर गेम का आयोजन किया गया जिसमें छोटे बच्चों ने स्विमिंग पूल में जमकर मस्ती की। छोटे बच्चों का उत्साह म्यूजिक की धुन पर देखने को मिल रही थी। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक मोहम्मद हुजैफा ने कहा कि इस वर्ष 6 दिनों का समर कैंप 1 मई से आयोजित किया गया है जिसमें छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इस समर कैंप के माध्यम से छोटे बच्चों को खेल खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने और पढ़ाई के कई टिप्स सिखाए जा रहे हैं। समर कैंप का आयोजन किया गया है जो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग आयोजन किए हैं। ये 1 मई से स्टार्ट हुआ है जो लगातार 6 मई तक चलेगा। आज समर कैंप का दूसरा दिन है जहां बच्चों के लिए डीजे डांस और वाटर गेम और रेन डांस का आयोजन किया गया है। क्या मकसद है इस तरह का? इसे मकसद है कि अभी समर कैंप के बाद सारे बच्चों का समर वेकेशन हो जाएगा तो जिसमें बच्चे लोग एक एंटरटेन लगा रहे, बच्चों को एक आदत बना रहे, उनके स्कूल के प्रति एक रुचि बना और उनको स्कूल से बहुत सारे बच्चे भागते हैं तो हम लोग उनको ऐसा एंटरटेनमेंट देते हैं कि ताकि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए और स्कूल आने में कोई परेशानी ना हो। क्या लगता है इससे बच्चों को फायदा होगा? इसमें बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि बच्चे में एक अलग इंटरेस्ट होता है और बच्चे ये देखते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, खेल खेल में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे इससे पेरेंट्स को भी फायदा है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 5 मई से रामकथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुरारी बापू शिरकत करेंगे। और पहले दिन केवल 4 बजे से 7 बजे कथा की शुरुआत है और बाकी 6 तारीख से 13 तारीख तक कथा नियमित रूप से 9:30 बजे शुरू होगी और 1:30 बजे तक ये कथा का समय है। ये कथा कितना दिन चलेगा? वही 9 दिन की कथा है, टोटल 9 दिन होती है। गोपाल मैदान में कथा होगी गोपाल सुबह 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 कहाँ कहाँ सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे कथा। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें एक सीताराम परिवार बोल के हम लोग बोलते हैं जो गुजरात से आते हैं, गांव के लोग हैं ज्यादा जो मुरारी बापू के अगल बगल गांव में रहते हैं और वो लोग सब कथाओं में जाते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल व बिजली दर में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ सीएम का पुतला जला रहे झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला जलाने के दौरान बिष्टुपुर में झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्रीय महासचिव अभय सिंह के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला जलाने में जुटे थे। इस दौरान दर्जन भर पुलिसकर्मी लाठी के बल पर पुतला दहन को रोकने का प्रयास करने लगे। पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री का पुतला छीनने का प्रयास किया लेकिन धक्का मुक्की के बीच में अभय सिंह ने बिष्टुपुर थाने के समक्ष पुतला दहन कर दिया। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
जमशेदपुर के जुबली पार्क रोड में चैन छिनतई करते युवक को स्थानियों ने धर दबोचा, जमकर की पिटाई। राजनीति के भीष्म पितामह पूर्व सांसद बागुन सुमरई की हालत नाजुक, टीएमएच के आईसीयू में भर्ती। जमशेदपुर विग इंग्लिश स्कूल की छात्रा की झूले पर हुई संदेहास्पद मौत, पुलिस जुटी जांच में। और जमशेदपुर में पहली बार मेटल फेडरेशन की हुई बैठक, इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए कई दिशा निर्देश। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। डॉक्टर जी, अब वो टाइम है जब मैं आपसे कहूंगी कि आपका हैप्पी मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके एक ऐसे पेशेंट आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी बिल्कुल। हम है जयंती मंडल, कोलकाता के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो बारमपुर शहर है उसी शहर में हम रहते हैं। ब्लड शुगर लेवल हमारा 2012 साल में पहले डिटेक्ट हुआ था, उस समय मेरा ब्लड शुगर लेवल था 295, तो हम तो एकदम घबरा गए थे। जब जनवरी में हमने अचानक टीवी में चैनल घुमाते घुमाते देखा कि एक चैनल आ गया जहाँ पे डॉक्टर जी शर्मा का प्रोग्राम चल रहा था, तो इतने ऑनेस्टली वो बता रहे थे कि रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे को इतना सुंदर इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने कि हम तो चार्म्ड हो गए। और फिर देखने लगे दो चार दिन देखे और फिर हमने सोचा कि चलो लाइफ में इतना सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया तो ये भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो हमने साथ ही साथ फ़ोन उठाया और उनके टीम को फ़ोन किया, तो हम मंगवा लिया डायबेटॉल और डायबेट प्लस। वो लेने के साथ साथ ही एक हफ्ते के अंदर हम समझ गए कि कुछ हो रहा है मेरे अंदर। तो फिर 15 दिन विद इन 15 डेज हम बिल्कुल बिलो 120 आ गए। हम डॉक्टर जी और उनके टीम से इतना प्लीज्ड हुए कि उनको थैंक यू, सिर्फ थैंक यू बोल के छोटा नहीं करेंगे। वाओ डॉक्टर जी, दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर हर्ड। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी। तो अगर आपको लगता है जयंती जी को फायदा हुआ सच में, तो आप इसी तरीके से अपनी लाइफ बदलिए जैसे इन्होंने अपनी बदली है। वेल डॉक्टर जी, एक और सवाल हम तक पहुंचा है ईमेल के जरिए, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल। ये है जुबैदा जी फ्रॉम कनाडा, एंड शी राइट्स दैट आई एम फ्रॉम कनाडा एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फ्रॉम द पास्ट 2 years। आई एम टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिंस 2 tablets इन अ डे। आई ऑल्सो हैव नी प्रॉब्लम एंड थायराइड प्रॉब्लम टू, काइंडली एडवाइस। जुबैदा जी, आपको मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं, HbA1c के लेवल्स कितने हैं। हमेशा आप हमें ये इन्फॉर्मेशन भेजें तो आसानी रहती है आपको गाइड करने के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए खासकर आप आर्थराइट प्लस जनार्थ्रो ले सकते हैं, सूजीज के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी और डायबिटीज और आर्थराइटिस ये सब मिलकर चल रही हैं। और वजन कम करते हुए डॉक्टर्स कहते हैं कि वजन कम कीजिए तो उससे डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी और आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी रूट कॉज पर नहीं जाता। वजन एक साइड इफेक्ट है। अगर आप अपनी इंसुलिन को सेंसिटाइज कर लें और अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथन कर लें तो आपकी ऑटोमेटिकली वजन कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम अपने केसेस में देखते हैं, अपने पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। आर्थराइट प्लस शुरू कीजिए, डायबिट प्लस शुरू कीजिए, जेनार्थ्रो लीजिए, डायबिटॉल लीजिए, सूजीज का स्प्रे लीजिए और स्वीट जॉय का इस्तेमाल कीजिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर की जगह, और जब रिजल्ट्स मिले तो आप हमें जरूर बताइएगा। वेल डॉक्टर जी, हमेशा की तरह आपसे बात करते करते समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, बट थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड योर वैल्यूएबल प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है db@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com।
आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter, Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय, और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इसके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का।